जम्वार बागरी में हमने प्रयास करके सरकार से रेट कम कराए, जिससे वहाँ पर कुछ लोगों ने, उद्यमियों ने प्लॉट खरीदे हैं। लेकिन जो पुराने इंडस्ट्री स्टेट की बात है, इसके बारे में अभी सरकार की ओर से हमारी जानकारी में कोई प्रस्ताव नहीं। सरकार अगर कोई नीति बनाएगी, माननीय कलेक्टर महोदय कोई मीटिंग बुलाएंगे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, उसके बाद मैं कोई इस पर टिप्पणी कर सकूंगा। क्योंकि जो पेपरों में छपा है और पेपरों के आधार पर कुछ भी बात कहना गलत इसलिए है कि नीति बनी नहीं है। हो सकता है किसी पेपर वाले ने किसी से कोई कुछ लाभ कमाने की इच्छा की हो और उसने मना कर दिया हो या टाला मटोली की हो, तो पेपर वाले तो छापते ही रहते हैं। और आप जानते हो कि आजकल तो मोदी जी का ज़माना है, तो पेपर वाले क्या करते हैं क्या नहीं करते इस मामले में सब जानते हैं। चूँकि ये सरकार जो है वो जनप्रतिनिधियों की सरकार नहीं है, ये अधिकारियों की सरकार है। पेपर पढ़ के हो सकता है पीएस ने भी कहा हो कि जांच करने के आदेश, जांच करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। जिस संस्थाओं ने वहाँ पर एनओसी दी है, जिन संस्थाओं ने चलाने की परमिशन दी है, वो जांच कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। अगर कोई गलत पाया जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। और जहाँ तक शिफ्ट करने की जो बात है ना, ये वो एक नीतिगत निर्णय है। माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में तय करें कि अगर ये इंडस्ट्रियल स्टेट शिफ्ट होगा तो उसके लिए क्या पॉलिसी अडेप्ट की जाएगी। दिल्ली में भी शिफ्ट किया है सरकार ने, वहाँ जो पुरानी ज़मीन थी उसे फ्री होल्ड किया, वहाँ से शिफ्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उन्होंने कंपनसेशन दिया। वो सब बातें तय होने के बाद हटाने की बात आती है। और एज सच वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है। जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो जहर उगला जा रहा है पेपरों के माध्यम से, वहाँ सिर्फ मिक्सिंग का मामला है। मिक्सिंग प्लांट है, लिक्विड को लिक्विड में मिला के उसका डाइल्यूशन कम करके बाज़ार में बेचा जाता है। ग्रेनुअल के ऊपर कोटिंग की जाती है, उसको बाज़ार में बेचा जाता है। वेटेबल पाउडर के ऊपर कोटिंग की जाती है, उसे बेचा जाता है। वहाँ पर कोई चीज़ टेक्निकल निर्मित नहीं हो रहा जैसा कि भोपाल में हुआ करता था। और वैसे तो फिर शहर के बीचों बीच तो अडानी भी है, अडानी में जिस गैस का उपयोग होता है वो बहुत जहरीली है। तो ये सब बातें नीति बनाने की विचार करके तय करके और फिर कोई काम करने की है, ये अतफरिया मामला नहीं है जैसा कि आजकल चल रहा है। देखिए दो चीज़ें हैं कि जम्वार बागरी में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, पहले वहाँ की जो रेट थे वो बहुत ज़्यादा थे, शासन ने रिवाइज रेट करके काफ़ी कम रेट वहाँ पर कर दिए हैं। और हमें वो उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यापारी साथी हैं अब वहाँ पर अपने प्लॉट ले लेंगे। इस संबंध में हमने सभी व्यापारी साथियों की बैठक भी ले ली है और सभी के द्वारा इसमें सहमति भी जताई गई है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा वो ये है कि जो पीतल मिल चौराहा है यहाँ पर, पूर्व में चूँकि बड़ी पुराने वर्षों में आबादी कम थी तो यहाँ पर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री स्थापित लोगों ने की थी। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री के कारण किसी भी दुर्घटना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है और उस जगह अब बहुत ही घनी आबादी बस गई है। तो माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें माननीय सभी सांसदगण और माननीय सभी विधायकगण यहाँ पर मौजूद थे। उसमें ये निर्णय हुआ कि जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हैं पीतल मिल एरिया में, इनको जम्वार बागरी में शिफ्ट किया जाए। इसके लिए जब हमारे द्वारा लोगों से बात की गई तो लोगों ने सहमति भी व्यक्त की कि हाँ साहब हम शिफ्ट करेंगे, तो ये हम इसकी कार्रवाई हम धीरे धीरे प्रारंभ करेंगे। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।